गुड मॉर्निंग सर। क्या है, छुट्टी है आज, घर जाके आराम कीजिए। सर पूरे स्कूल को छुट्टी? हाँ पूरे स्कूल की छुट्टी है, अब जाइए यहाँ से। माइटी, चतुर सिंह नाम का एक चोर तुम्हारे स्कूल के आसपास छुपा हुआ है। उसने आर्यनगर के रिसर्च लैब से एक मुखौटा चुरा लिया है जिससे वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। तुम थोड़ा सतर्क रहो राजू, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है कमिश्नर खन्ना। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। प्रिंसिपल सर। किसने मुझे बाथरूम में बंद किया? हमें नहीं पता सर, हम तो ये पूछने आए थे कि आज छुट्टी क्यों है। छुट्टी? किसने कहा छुट्टी है? सर सर मैं टॉयलेट में बंद था और मैं क्यों दूंगा छुट्टी भला है? कोई छुट्टी नहीं है आज, कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन सर सभी बच्चे घर चले गए। क्या, किसने जाने दिया उन्हें? सर आपने। हेलो कमिश्नर खन्ना। हाँ बोलो राजू। खन्ना सर, एक आदमी प्रिंसिपल बनकर स्कूल में घूम रहा है, कहीं ये वही तो नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हो? प्रिंसिपल? लेकिन वो तो अभी अभी स्कूल से बाहर निकल गया है। क्या, लेकिन असली प्रिंसिपल तो हमारे साथ है। चतुर सिंह रोको उसे, भागने ना पाए। स्कूल को सभी तरफ से घेर लो, चतुर स्कूल से भागना नहीं चाहिए। कहाँ चला गया? लगता है चतुर को पकड़ने के लिए माइटी की जरूरत है। अरे ये राजू कहाँ चला गया? ओए चतुर सिंह, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। हाँ? अपने आप को पुलिस के हवाले। अरे खन्ना सर, आप तो बाहर। बाहर नहीं, अंदर। चतुर अंदर क्लासरूम में छुप कर बैठा है। जी 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 सर। पुलिस स्टेशन माइटी। अच्छा, लेकिन पुलिस स्टेशन तो पीछे छूट गया। और पास विंग
क्यों चतुर, कहाँ देख रहे हो? माइटी, मैं कमिश्नर खन्ना हूँ। ये देखो मेरा आईडी कार्ड। इसकी क्या जरूरत है? आप खन्ना है या नहीं, ये तो आपके शक्ल पर लिखा है। मेरा विश्वास क्यों नहीं करते तुम लोग? मैं ही कमिश्नर खन्ना हूँ। चतुर सिंह, अब और कोई चतुराई नहीं चलेगी। खेल खत्म। भूख लगी है मोबी? माँ, मैं तैयार हूँ। और ये है तुम्हारा डिब्बा तैयार, पूरा खा लेना। अच्छा माँ, चलता हूँ, बस आती ही होगी। अरे वही है ना, अपने नए प्रिंसिपल का घर। हाँ एनएल सर। थोड़े अजीब से है ना, पर टीचर्स में मुझसे सबसे अच्छी डिसोजा मैडम लगती हैं, जो ड्रामा सिखाती हैं। हाँ, वो हमारी बात कभी नहीं टालती। हाँ सही कहा जूली। ओए राजू, रास्ते से हट, जगह दे। दूसरे का टिफिन हड़पना बंद करो, जगह अपने आप मिल जाएगी। खिल्ली उड़ाता है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं प्रिंसिपल सर, हम बस क्लास में ही जाने वाले थे। अच्छा अच्छा, क्लास दिमाग की शक्ति बढ़ाने। जी हाँ सर, हमारा अभी मैथ्स पीरियड है वर्मा सर का। इनका नाम प्रिंसिपल एनिल नहीं, प्रिंसिपल अजीब होना चाहिए था। बच्चों, आज तुम्हारा मैथ पीरियड नहीं होगा क्योंकि वर्मा सर अचानक छुट्टी पर चले गए। वाह, मतलब फर्स्ट पीरियड ही फ्री पीरियड होगा। गोपी, मजे वाली फुटबॉल हो जाए। मेज वाली फुटबॉल? जस्ट अचानक छुट्टी पर चले गए, ऐसा चलता रहा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? आप दोनों तो है ना। मैं पीटी टीचर हूँ सर, मैं बच्चों को गणित, इतिहास, साइंस आदि नहीं पढ़ा सकता। और मैं और डिसूजा मैडम सारी क्लासेस तो नहीं संभाल सकते ना सर। ठीक है ठीक है, मैं किसी को लाता हूँ। अब आप दोनों जाओ जाओ। चैन से नहीं छोड़ते, ऊपर से ये खुजली और खांसी, जितनी जल्दी इस ग्रह से छुटकारा मिले उतना अच्छा। इस ग्रह से छुटकारा, कितनी अजीब बात है, जैसे कि प्रिंसिपल सर पृथ्वी के हैं ही नहीं। We'll be right back.
राजू तुम्हारी बारी है, डर तो नहीं लग रहा? वो भी क्या हुआ, डर लग रहा है? ऐसा करो तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। घबराओ मत मोबी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। टूट पड़ेगी मुझ पर। भला हो भगवान का कि तुम मिल गए। तुम ठीक तो हो? कैसे गिर गए, चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। मोबी को गिरते देखकर मैं आगे झुका और गिर गया, मोबी नहीं मिला सर। चलो शुक्र है कि तुम ठीक हो। चलो अब जल्दी चलो राजू, तुम्हारा दोस्त मोबी वहाँ पहुँच गया है। वो कैसे सर? अरे मुझे अभी पता चला कि माइटी राजू ने तुम्हारे दोस्त को बचा लिया है। सब तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुनो, राजू मिल गया है। माइटी राजू को रोक के रखना, मैं भी मिलना चाहता हूँ। क्या कहा? माइटी राजू चला गया? कहाँ गया? हाँ?
आपका गांव कितना खूबसूरत है। हाँ दादी। ये हमारा बचपन का गांव है, यहीं तो मैं पली बढ़ी। बहुत सारी प्यारी यादें हैं हमारी इस गांव में। वापस जाओ, वापस जाओ। हाँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वापस जाओ। हाँ? उस आदमी ने हमें यहाँ से चले जाने के लिए क्यों कहा? लगता है उस आदमी ने मुझे पहचान लिया। बचपन में हमारी पहचान मास्टर जी की बेटी थी ना। सब डरते थे मुझसे। उसे छोड़ो, वहाँ चलते हैं। क्या वो आदमी हमें चेतावनी दे रहा था या फिर उसने दादी को पहचान लिया? पता नहीं। ये हमारा पुराना घर। मारे अम्मा बापू ने मारे को यहाँ उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था। और ये हमारा स्कूल था। और इस पेड़ पर चढ़कर मैंने आम तोड़ने सीखे। दादी हम थक गए हैं। हाँ? और भूख भी लगी है। हाँ? यहाँ कोई अच्छा खाने का होटल भी नहीं दिख रहा। अरे छोरे, हम हमारे गांव आए हैं। पेट होटल के खाने से नहीं, गांव वालों ने प्यार से बनाए हुए खाने से भरता है। आगे चलते हैं, कुछ मिल ही जाएगा। अरे वाह, वहाँ देखो। देखो, मैंने कहा था ना, हमारा खाना हमारे गांव की बहुत पुरानी रीत है, आए हुए मेहमानों को प्यार से खाना खिलाने की। आओ अब सब खाते हैं, आ जाओ। पर अगर ये खाना किसी और के लिए हुआ तो? ओहो छोरे, तुम फिकर मत करो, ये खाना अपना ही है। अब बैठ भी जाओ। लगता है तुम तीनों को हमारे गांव का खाना पसंद आया। और भी बहुत कुछ है हमारे गांव में, चलो चलें। इतना बड़ा डाका डालने के बाद मुझे बहुत भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। हाँ भैया, देखे तो गांव वालों ने आज हमारे खाने में क्या बनाया है। ये क्या, खाली बर्तन? हमारा खाना किसने खाया? मन्ने तो ये लोग शहर के लागे हैं। इन्हें लूटे 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 लूटे। और भी कई मजेदार चीजें हैं, वो देखो वहाँ बसंत के फूल। चलो उठो राजू। ओ प्लीज मॉम, थोड़ी देर और
सोने दो ना। बिल्कुल भी नहीं, स्कूल का फर्स्ट डे है। असाइनमेंट किया? वेरी गुड, चलो अब उठो। स्कूल जा पाओगे राजू या माइटी राजू? एब्सेंट। बिल्कुल जा पाऊंगा, माइटी राजू नेवर एब्सेंट। मैं बोर हो रहा हूँ यार, कुछ करते हैं ना? कुछ यानी क्या करें? कहीं जाते हैं, वैसे भी अगले हफ्ते से हॉलीडेज हैं। क्यों ना हम? बच्चों एक एक्साइटिंग न्यूज है, अगले शनिवार को हमारे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन होगा। हमारे स्कूल ग्राउंड में एक बहुत बड़ा अंडा रखा जाएगा और उस बड़े अंडे पर आपको पेंटिंग करनी होगी। ड्रॉइंग करने के लिए एडमिन मैडम के पास शाम के 3:30 बजे से पहले जाइए। ड्रॉइंग कंपटीशन? अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं कैट बनाऊंगा। और मैं डॉग बनाऊंगा जो तुम्हारी कैट को खा लेगा। तो मैं माइटी राजू को बनाऊंगा। माइटी राजू को बनाने की क्या जरूरत है, ये तो यही खड़ा है तुम्हारे पास। क्या बोलते रहते हो चार्ली, कंपटीशन है लड़ाई नहीं, जो बनाना है वो बनाओ। बिल्ली राजू गोपी चलो चलते हैं। क्या हुआ जूली, इतनी चुप चुप क्यों हो? हाँ, ज्यादा चॉकलेट्स खाकर पेट खराब हो गया है क्या? गोपी चॉकलेट्स ज्यादा खाने से और क्या प्रॉब्लम्स होंगी? गोपी ये कंपटीशन ड्राइंग का है। हा? मुझे कहाँ आती है ड्राइंग स्केचिंग? कंपटीशन में पार्ट लोगी तभी तो पता चलेगा कि तुम्हें आती है या नहीं। नहीं नहीं, मुझे रिस्क ही नहीं लेना है। अगर ऐसी वैसी ड्राइंग की तो सब लोग हंसेंगे मुझ पर। कोई नहीं हंसेगा जूली, तुम भी एनरोल कर लो। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। सुपर विलन कराटी हूँ मैं और मेरे पास एक ढंग का असिस्टेंट भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं साफ कर देता हूँ ना। ये क्या किया तुमने? कचरे को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ये कचरे का डिब्बा लग रहा है तुम्हें? ये माइटी राजू को हराने वाला जादू है। जादू अंदर जाओ और सब साफ करो। इसके अंदर मैं कैसे जा सकता हूँ बॉस? बंके इसको अंदर फेंको। ये क्या बनाया है आपने? अंडा है। ये अंडा है? नहीं बॉस, ये अंडा नहीं, रोबोट है। वो नहीं, ये है अंडा गोगो। माइटी रोबोट अंडा? ये आखिर है क्या बॉस? बंके अंडे के अंदर जाओ। अब ये मेरा अद्भुत आविष्कार करेगा माइटी राजू का शिकार। राजू मैंने तय कर लिया है कि मैं क्या ड्राइंग बनाऊंगा। मैं एक बहुत बड़ा चॉकलेट बनाऊंगा, नट्स की फिलिंग होगी उसमें। तुमने क्या डिसाइड किया राजू? मैं बनी बनाऊंगा गैजेट्स के साथ, 21st सेंचुरी का बनी विद सुपर पावर्स। वाह कितना मजा आएगा, मुझे तो सिर्फ देख के एंजॉय करना पड़ेगा। जूली तुम भी कल हम लोगों के साथ एनरोल कर लेती। मेरी मम्मी कहती है कि हमें वो सब कुछ करना चाहिए जिसे हमें मजा आता है। नहीं राजू, मैं ड्राइंग नहीं कर सकती। बाय राजू, बाय गोपी। बाय जूली, कल मिलते हैं, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, और चीयर करूंगी तुम्हारे और गोपी के लिए। बाय बाय। गोपी रुको। क्या हुआ राजू? जूली कितनी उदास थी। क्यों, उसके पास चॉकलेट्स खत्म हो गई हैं क्या? चॉकलेट्स? क्या चॉकलेट्स लगा रखा है कल से? जूली पेंटिंग के बारे में उदास है, हमें कुछ तो करना होगा जिससे उसका मूड ठीक हो जाए। आइडिया? चॉकलेट्स नहीं गोपी। ओ, तो फिर कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। कोई नहीं, मैं ही कुछ सोचता हूँ। बाय। लो। ओह।
सुप्रभात। एक जरूरी सूचना। आर्यनगर में बढ़ते तापमान को देखते हुए आर्यनगर की सभी लोगों से निवेदन है कि वे अधिकतर वक्त अपने घरों में रहें। बाहर निकलने से पहले पानी पिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें। काश स्कूल भी हमें छुट्टी दे दे। इतनी गर्मी में घर से कौन निकलना चाहता है। रुको राजू, ये लो छाता। मेरे पास छाता है चिकी। ये कोई मामूली छाता नहीं राजू। इस छाते में क्या खास बात है। वैसे चिकी ने कहा है तो कुछ तो होगा राजू। हाँ? देखो मेरा नया छाता, अच्छा है ना? हाँ जूली, बहुत सुंदर छाता है। पानी खत्म। नहीं अये यो, ये कैसा छाता है जी? राजू तुम्हारे छाते के नीचे कितना ठंडा लग रहा है। हाँ राजू, ये छाता तो बहुत ही अच्छा है। चलो हटो तुम सब, अब मेरी बारी है। कितना ठंडा है। मुझे भी। तुम्हारी नहीं, सिर्फ मेरी बारी। छोड़ो मुझे। चीकी, तुम्हारा छाता तो कमाल का है। क्या तुम ये छाता मेरे दोस्तों के लिए भी बना सकती हो? जरूर राजू, क्यों नहीं। लड़ो नहीं दोस्तों, चीकी तुम सब के लिए छाता बना के देगी। माइटी। कहिए कमिश्नर खन्ना, कैसे याद किया? ये लो सोनू, तुम्हारा छाता तैयार है। ये, थैंक यू चीकी। प्रोफेसर स्वामी, अब तुम्हारी खैर नहीं। बच्चों, तुम सब ठीक हो? राजू कहाँ है? हाँ अंकल, हम ठीक हैं। राजू, सभी बच्चे मेरे साथ जीप में चलो। तुमने मुझे धोखा दिया है स्वामी। कमिश्नर अंकल, ये लीजिए। छाता? छाता खोलो कमिश्नर। अरे वाह, क्या छाता है। क्यों फ्यूजन, बच्चों ने हरा दिया। माइटी, ये लो। अरे माइटी, ये तो खराब हो गया। माइटी, ये ट्रे को वापस उसी उपग्रह की ओर भेजो। ठीक है खन्ना सर। इट्स वैप टाइम। छाता तो मेरे पास है माइटी। छाता ठीक से पकड़ो फ्यूजन, रिमोट मेरे पास है। क्या? नहीं। राजू तुम ठीक तो हो? हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजू कहाँ गायब हो गए थे?
माइटी ने आज हम सबकी जान बचाई। हाँ जूली, और माइटी की जान चीकी के छाते ने बचाई। चीकी जिंदाबाद।